बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ बनाएंगे बहुत सिंपल सी सैंडविच की रेसिपी। इसमें हम वेजिटेबल, चिकन और मायोनीज यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। वेजिटेबल एंड चिकन सैंडविच के लिए यहाँ मैंने लिया है सबसे पहले मायोनीज। मायोनीज बहुत थिक होता है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना चिकन स्टॉक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें वेजीज और बॉयल की हुई चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ली है ये बारीक कटी हुई कैबेज, गाजर। ये चिकन मैंने ली है जिसे बॉयल कर ली थी और इसके रफली श्रेड्स कर दिए हैं। कैप्सिकम मैंने ली है थोड़ी सी यहाँ बहुत टेस्ट के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम मेयोनीज में ऐड करेंगे। वेजीज और चिकन ऐड करने से पहले यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, कैबेज, कैप्सिकम, फाइनली गाजर। इसको मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। मुझे इसमें मेयोनीज थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। मैंने ली है ये ब्रेड, इसके मैं साइड्स कट करूँगी। इसके बाद हम जो मिक्सचर हमने मेयोनीज का बनाया था वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है ये मेयोनीज और वेजीज और चिकन को मैंने मिक्स कर दिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है। आप जब भी चिकन बॉयल करें आप थोड़ा सा उसमें से चिकन स्टॉक निकाल सकते हैं, उसे आप ऐड कर दें 4 से 5 टेबल स्पून जितना, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम स्प्रेड करेंगे इसे ब्रेड पे। अब हम यहाँ थोड़ा सा स्प्रेड लेंगे ब्रेड पे। आप स्प्रेड करके अब आप इस पे से दूसरा ब्रेड रखते हैं। इस तरीके से आप सारे सैंडविचेस बनाते जाएं। यहाँ हमने ये सैंडविचेस बना लिए हैं, अब आप इसको कट करें। तो यहाँ ये हेल्दी सैंडविचेस, चिकन और मायोनीज वेजिटेबल सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को लंच, ब्रेकफास्ट और टी टाइम में भी आप इसे दे सकते हैं। आप मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं और प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।